वेलकम टू माई चैनल। आपको लगता है कि मैं बस रूखा सूखा सा वेलकम कर देता हूँ, बट आपको मेरी वीडियोस देखनी आई थिंक पसंद आती है, जो भी देखते हैं। तो वेलकम करने से कुछ नहीं होता, बस प्यार होना चाहिए। YouTube फैमिली बस इतना ही प्यार बना के रखो, मतलब व्यूज़ और देते रहो मुझे। वॉच टाइम जैसे लास्ट दो वीडियोज़ में बोला है, मुझे वॉच टाइम कम्प्लीट करना है 4000 आवर्स का, तो किसी तरह व्यूज़ दीजिए, शेयर कर दो वीडियो को कि व्यूज़ मिले, मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट हो। और बाकी तो ठीक है। आज नॉर्मली ऐसा है कि दिवाली का मैंने लास्ट में बोला कि एक इवेंट है, दिवाली के लिए एक इवेंट छोटा सा प्लान कर रहे हैं स्कूल में, तो कुछ है परफॉर्मेंस अभी प्लान करूँगा, अभी कुछ अभी प्लान नहीं किया। तो होप सो जितना चलता रहेगा, प्रैक्टिस होगी, ये होगा। और इस बार जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ शायद जूनियर्स का भी हम मोस्ट प्रॉब्ली कर रहे हैं, तो मैं जूनियर्स को भी सिखाऊंगा, मतलब ऑनवर्ड्स फर्स्ट टू फिफ्थ ऐसा कुछ, और तीन उसमें कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। जूनियर्स जो इंटरमीडिएट्स है जो ठीक ठाक कर लेते हैं उनके लिए भी होगा, प्लस मिडिल क्लासेस जो है मतलब 6th to 9th, 6th, 7th, 8th, 9th, फिर +1, +2 अगर देखेंगे हो पाएगा तो उनको भी करवाएंगे। बाकी अभी और इतना प्लान नहीं है, आज सबसे बात हुई है तो उस पर मैं अभी काम करूँगा, प्लान करूँगा क्या है कैसा है। बाकी ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो उस पर मैं प्लान करूँगा भी कैसा होगा क्या होगा। बाकी आवाज़ आई थिंक साफ आ रही होगी, तो इतना कुछ नहीं है, इतना ही था आपके साथ अभी शेयर करने को। बाकी कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में भी थोड़ा ठीक है, मतलब इतना हेक्टिक वाला शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, एक ही परफॉर्मेंस दे रहा हूँ मैं कॉलेज में। बाकी तो और तो है नहीं कुछ, वो हो जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस लेट हो गई है, वो मोस्ट प्रॉबली ऐसा है कि इतना कोई टेंशन नहीं। बाकी अभी तक आपके साथ यही था शेयर करने को, अभी और तो कुछ है नहीं। बाकी कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज जाके नॉर्मल वो प्रैक्टिस रहेगी। बाकी आज कोई नहीं हुआ नहीं रहा। बाकी कल प्रभजोत मैम के हस्बैंड आए थे, उनके साथ वीडियोस बनाई थी। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके मुझे फॉलो भी करो, यहीं कहीं पे शो भी हो रहा होगा, जाके मुझे फॉलो भी करो और प्लीज़ वहाँ पे ही फॉलोअर्स बढ़ाओ, ये वाली फैमिली ही वहाँ पे जाके फॉलोअर्स बढ़ाओ, कि यहाँ पे मेरे हो गए हैं 2500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कुछ, तो वहाँ पे अभी 1100-1200 ही है, तो यही वाली फैमिली मेरी वहाँ पे जाके भी फॉलो करो, वहाँ पे जाके मेरी वीडियोज़ आती हैं, रील्स आती हैं छोटी छोटी, तो वो भी जाके आप एंजॉय करो, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर उसको भी कर देना, इस वीडियो को तो कर ही देना। बाकी और उनको भी, बाकी उनके तो है अच्छे सब्सक्राइबर्स और अच्छे फॉलोअर्स हैं, बट मेरा इतना वो नहीं होगा, बट स्टिल उनको भी जाके, अगर मेरी ऑडियंस में से कोई है तो उनको भी जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे भी हैं वो, इंस्टाग्राम पे भी हैं दोनों, तो उनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा मैं, आप जाके वहाँ फॉलो सब्सक्राइब जो एज यू विश जो आप कर पाओ। बाकी मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा बोलो, प्लीज़ जाके शेयर करो, वॉच टाइम बढ़ाना है और कुछ नहीं है। बाकी शेयर करने का और कुछ है अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। ये लेक्चर अभी मेरा फ्री था तो इसीलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। बाकी बच्चे आ रहे हैं बार बार रजिस्टर करवाने को मेरे पास कि सर हमें डांस करना एंड ऑल, तो होप सो अच्छा जाए, स्कूल का भी कॉलेज का तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बड़े बच्चे हैं, थोड़े समझदार भी हैं और अच्छे डांसर्स भी हैं, वो कर ले रहे हैं, एक दो हैं कॉलेज में भी कि वो ठीक है थोड़े बहुत। बाकी मेरी ऑनलाइन क्लास का भी कॉलेज में बोला कि ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास में कौन कौन रजिस्टर करता है डोंट नो, बाकी तो मैं स्मार्ट हूँ। बाकी एज ऑलवेज मैं लेट आने का बादशाह हूँ, जैसे देख सकते हो कि मेरा शब्द की उल्टा रहा है सीधा रहा है डोंट नो, तो वही सेम चीज़ है। बाकी और क्या ही शेयर होगा आपके साथ, अभी सीधा फिर हम कॉलेज में मिलें,
सीधा कॉलेज में मिलते हैं फिर जाके, पार्किंग से स्टार्ट करेंगे, बाकी देखूंगा जैसे रिहर्सल वो चल रही है, अगर मैंने थोड़ा बहुत किया इधर उधर तो रिहर्सल भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी वापस आते टाइम आज शायद फिर से रील्स वील्स बनेगी, तो शायद आज रील्स की भी मैं प्रफुल्ल मैम के साथ भी शायद थोड़ा ब्लॉग करूँ शायद, अगर टाइम मिला तो। तो चलो मिलते हैं फिर कॉलेज में, लेट्स गो। मैं पहुंच गया कॉलेज, तो ऐसा है टाइम पे हूँ, 10-15 मिनट हैं अभी, ज़्यादा ये 20 मिनट हैं अभी। तो छाव में चलते हैं। बाकी अभी मैंने देखा, नोटिस किया लवली का जो मेन गेट है जहाँ से सिर्फ टर्नस्टाइल है वो रेनोवेट हो रहा है शायद, जहाँ से कार्स व्हीकल्स आती हैं वो तो नॉर्मल है, पर जहाँ से नॉर्मल पैदल आने जाने वाले थे वो रेनोवेट हो रहा है लवली। ऊपर से पूरा का पूरा जो बोर्ड था लवली का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, वो सारा हटा दिया उन्होंने, शायद दोबारा से न्यू तरीके से लगा रहे हैं शायद। तो बस मैं पहुंच गया, लगता नहीं रहा क्लास में कोई आया होगा, अपन ही होते हैं पहले यहाँ पे। यार गर्मी जा ही दे रही यार, कब जाएगी। चलो मैं पहुंच गया डिपार्टमेंट। अभी पंच कर लो, देखते हैं थोड़ा सा नीचे ही काम है। इस कॉलेज की एक खासियत है यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन चलती रहती है, अभी अभी न्यू लगे हैं। बाकी चलो फिर मिलता हूँ क्लास में। तो मुझे भी ऑफिस में भी कोई मिला नहीं, मैं जा रहा हूँ पर अपनी क्लास में, तो बैठ के देखते हैं क्या करना है। एक और सीन हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा ठीक। लैपी में विंडो मीडिया प्लेयर थोड़ा लेट से चल रहा है, प्रोसेस लेट से कर रहा है, बाकी सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, बस विंडो मीडिया प्लेयर है जो उसको थोड़ा बहुत लग रहा है कुछ, शायद अभी थोड़ी देर में ठीक कर दूंगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ। ऐसे हाथ रखना बहुत मुश्किल है। चलो चलो मैं आता हूँ। जैब्स बनाने नहीं है, जैब्स करने हैं। चलो ये सिखाया जा रहा है, टीचिंग चल रही है टीचिंग मैम की। मैंने साथ में एक वर्ड और बोला, जस्ट इमेजिन, ऐसे गिर जाएगा तो फिर एग्जाम क्यों देगा। हाँ दो बार करते हैं, तीसरी बार में वापस आएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है।
हाँ ठीक है, हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब दोनों करेंगे, अब मैम और सर दोनों करेंगे, एंड फाइव सिक्स, फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड आपका क्या हो गया, आपका तो स्टेप मुंह में चला, आप तो गिर गए मैम, थोड़ा थक गए मैम, आप स्लाइड सिखा दो, आप सिखा दो स्लाइड अमन जी को, स्लाइड तो सर्कल में, अब सर्कल नहीं बना, बस स्लाइड सिखा दो, स्लाइड क्या ऐसे करना है, ऐसे करना, जाओ अमन, अमन स्लाइड, स्लाइड सीख, स्लाइड, हाँ एक बारी कर, खड़े हो, एक बार खड़े हो गए ना, नहीं भागना नहीं है, बस एक बार, ये मैम आपको स्लाइड सिखा रहे हैं, आप सीखो, तो अभी हुई प्रैक्टिस ख़त्म, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, टीम कहीं भी जा रहा है, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो अभी वैसे भी थकने वाला वो तो नहीं है। एक और चीज़, आज रेगुलर बेसिस पे जैसे भी घर जाता हूँ, घर जाके, घर नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ किसी की मैरिज पे, तो कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, तो वो आपको अभी पता चलेगा, यहाँ से भी जैसे भी 7 बजते, अभी भी 7 बजने में भी 10 मिनट है, और मुझे आज बहुत जल्दी निकलना है, क्विकली 10 मिनट में मुझे पहुँचना है घर, 7 बजे यहाँ से निकलूँगा, तो 7:10 या 7:15 पे पहुँच जाऊँगा, और 15 मिनट में रेडी होना है, फिर स्कूल के ही एक अमन सर हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं, क्योंकि रात को मैं जाऊँगा अकेला, गया अकेला तो वापस भी अकेला आना पड़ेगा, तो कोई मुझे छोड़ने आ जाएगा, बस ये सीन है, नहीं आया तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, बाकी देखते हैं प्लान क्या होता है, कितने बजे तक फ्री होते हैं वहाँ से, पंजाबी में जागो होती है शादी से पहले एक दिन, तो वो जागो में जा रहा हूँ आज मैं, तो देखते हैं क्या रेडी होना है कैसे, अभी कुछ नहीं प्लान मेरा, बाकी घर जाते हैं क्विकली, तो सीधा वहीं पर मिले हैं, रास्ते में देखते हैं, अमन सर से भी मिलवाऊंगा आपको, तो चलो लेट्स गो। शादी में पहली बार ही आके कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहला भी एंजॉय किया था पिंड वाला ब्याह। कितनी बार है पिंड वाले ब्याह से? चौथा या पांचवा, आई डोंट नो, डेस्टिनेशन में नहीं पता चल रहा, बस लाइट्स को फॉलो करते हुए सीधा पहुंच जाओ, वहाँ पे आप पहुंच जाओ विलेज।
बहुत सही बात बोली इस बच्चे ने, इन्विटेशन होगा तो जाना, नहीं तो लाइट को फॉलो मत करना, घर में बैठ बाकी अंदर बोलियां चल रही है वो एक बार दिखाता हूँ आपको। देखेंगे तो ये ब्लॉग सिर्फ यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।